आज के इस पहेली का शीर्षक है दया का एक्सीडेंट किसने करा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संडे का दिन था। दया अपने दोस्तों से कहती है, आज मैं तुम लोगों के साथ शॉपिंग पर जाऊंगी। तो बबीता कहती है, हम लोग शॉपिंग पर तब ले जाएंगे जब तुम मेरा पहेली का सही जवाब दोगी। तभी दया कहती है, हाँ पूछो। तब बबीता दया से पहेली पूछती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में गीली नहीं होती। पहेली सुनकर दया पहेली का जवाब सोचने लगती है, लेकिन क्या आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकेंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों इस पहेली का जवाब जानते हैं। दया इस पहेली का जवाब बता देती है। इस पहेली का सही जवाब है परछाई। पहेली का जवाब देने के बाद वो लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। तभी वो लोग रोड क्रॉस करते हैं तो अचानक से एक कार स्पीड में आकर दया को टक्कर मारकर चली जाती है। तभी अंजलि अपना फ़ोन निकालती है और पीछे से कार की फ़ोटो ले लेती है। इतनी ही देर में वहाँ चालू पांडे भी आ जाते हैं। अंजलि चालू पांडे को सारी बात बताती है और चालू पांडे भी इस कार की खोज में लग जाते हैं। अभी सुबह के 10 ही बज रहे थे, तभी वही कार उसे एक रेस्टोरेंट के सामने दिखती है। चालू पांडे रेस्टोरेंट के ओनर से बात करता है। चालू पांडे उस आदमी को बताता है कि इस गाड़ी ने आधे घंटे पहले एक एक्सीडेंट करी है। तो शॉप का ओनर कहता है, यह मेरी गाड़ी नहीं है, यह गाड़ी हमारी ही एक कस्टमर की है। फिर वो कस्टमर बाहर आता है और चालू पांडे उस आदमी से कुछ सवाल पूछता है। तो वो कहता है, मैं तो एक घंटे से इस शॉप पर ही हूँ, तो मैं एक्सीडेंट कैसे कर सकता हूँ? आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। तभी चालू पांडे समझ जाते हैं कि वह आदमी झूठ बोल रहा है और एक्सीडेंट भी इसी ने किया है। पर कैसे, चालू पांडे ने उसे झूठ कैसे पकड़ा? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कीजिए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकेंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। तो हमने पहले ही कहा था कि सुबह के 10 बजे हैं और ये आदमी कह रहा है कि वे एक घंटे से रेस्टोरेंट के अंदर हैं, जबकि इस बोर्ड के हिसाब से तो रेस्टोरेंट 9:30 बजे खुलता है। इसका मतलब यह झूठ बोल रहा है कि वे एक घंटे से रेस्टोरेंट के अंदर में हैं, जबकि रेस्टोरेंट को तो खुले हुए अभी आधे घंटे ही हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।